I
यस माने कि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबल करा, ये सारी चीजें हैं जितना भी हमने यहाँ पर देखा, डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स मैंने ये जिम ज्वाइन ही किया था क्योंकि ये डिफरेंट जिम था वर्कआउट के मामले में. आप देखिए यहाँ कोई मशीन नहीं है, इट्स अ फंक्शनल ट्रेनर. वेदार थापा इज़ माई ट्रेनर हु एक्चुअली उन्होंने प्लान किया है चीज़ों को अलग तरीक़ों से. सो आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था क्योंकि मेरी बॉडी को एक सर्टन तरीके की वर्कआउट की आदत है बिकॉज मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ. तो इसलिए जब मैं वेदार के पास आई और इनके पास टाइटल था फिटेस्ट इन इंडिया का, तो मैंने सोचा कि यू नो ही विल बी एबल टू प्लान अ वर्कआउट इन अ सर्टन वे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. सो आप वेदांत बताएंगे आपको कि किस तरह का वर्कआउट. हाय, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सो एक्चुअली क्या था कि जब ये आए थे तो पहले से इतने फिट थे तो मेरा काम बहुत आसान था. सो अभी हम जो करते हैं वो हम बेसिक्स पे बहुत फोकस करते हैं. हम एक टोनिंग वर्कआउट करते हैं, बॉडी टोनिंग, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन. एक कार्डियो करते हैं, मेक श्योर दैट शी लुक्स गुड ऑन स्क्रीन फॉर एवर. एंड वी मेक श्योर दैट हम साथ में काफ़ी स्किल्स, जिमनास्टिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा वेट लिफ्टिंग कभी कभार हम वैसे भी करते हैं. सो डेली जो हमारा रूटीन है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, एक स्ट्रेंथ, एक स्किल और कार्डियो. हम ये करते हैं. जब मैं नई नहीं आई थी तो ही केप्ट सेइंग मेटकॉन मेटकॉन. मैंने कहा यार ये नाम ही नहीं सुना मैंने, ये है क्या? बताइए भाई मेटकॉन क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि मेटाबॉलिक कंडीशनिंग होता है. तो जब आप लार्ज लोड्स, मतलब हैवी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंसेज और क्विकली मूव करते हैं तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, तो उसको मेटकॉन बोलते हैं. तो हम काफ़ी बार करते हैं, हफ्ते में 3-4 बार विद हर टोनिंग टू मेक श्योर दैट, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ जीरो फिगर. वी आर, हम लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर दैट वी वॉन्ट टू मेनटेन दैट हेल्दीनेस, दैट स्पोर्टी फिगर इन आर सिस्टम. सो वी आर लुकिंग एट टोनिंग एज वेल एज मेकिंग श्योर वी आर फिट एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है कभी कभार आप भले स्क्रीन पर अच्छे लगो पर आप अंदर से एक्चुअली फिट नहीं हो गए. करेक्ट. तो हम वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम फिटनेस और एक्चुअली लुकिंग गुड का ब्लेंड. सो मेरा डिस्क्रिप्शन ही वेदांत के साथ ऐसा था कि वेल कर्वेशियस बॉडी होना चाहिए वेदांत. वी डोंट वांट टू वर्क ऑन अ स्किनी बॉडी, लीन बॉडी. एवरीबॉडी इज जीरो फिगर, बट मेरा टारगेट कभी जीरो फिगर रहा ही नहीं है. वेल टोन कर्वेशियस बॉडी इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. चूंकि मैं मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से है, लेकिन ऑफकोर्स इस जिम में आने के बाद हम लोग उसको एक एक इंच करके रोज़ बढ़ाते हैं. यू जस्ट सॉ कि वेदांत मुझे सपोर्ट करते हैं जब मुझे पुश करते हैं, सेज कि डू इट, डू दिस वे, डू दैट वे. सो आई एम जस्ट सेइंग इज कि जिस तरह से प्लान करा गया है मेरा मेरा पूरा वर्कआउट इज डिफरेंट देन जो मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ. इसीलिए इफ़ेक्ट ज़्यादा है क्योंकि बॉडी को एक शॉक मिल जाता है कि ओके ये पैटर्न था मेरे बॉडी में वर्कआउट करने का, ये पैटर्न चेंज हो गया, फोकस डिफरेंट हो गया. सो उसमें रिएक्शन ज़्यादा है. एंड आई थिंक द होल क्रेडिट हैज़ टू गो टू वेदांत ऑन दिस. हाँ, ज़रूर. सो वर्कआउट में सबसे पहले हम आजकल जैसे वेदांत ने मुझे बोला है कि यू हैव टू डू कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग वेन ट्रोनिंग. तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ही कीप्स टेलिंग मी 15 मिनट ट्रेडमिल पे आपको वार्म अप करना है. तो मैं स्लो जॉग से शुरू करती हूँ 15 मिनट एंड देन वी स्ट्रेच, राइट? स्लो लॉन्ग डिस्टेंस. हाँ, एवरी डे वी डोंट डू द सेम पैटर्न. हमारा जो शी रन्स एवरी डे फॉर 45 मिनट्स, बिकॉज आवर टारगेट इज दैट वी वॉन्ट टू रन अ मैराथन इवेंचुअली, बिकम कम्फर्टेबल एट रनिंग. That's something that she wants to practice regularly. So 45 minutes of running is every day. Apart from that, hum log, like I said, hum log thoda weightlifting karte hain, body toning pe focus karte hain, skill work pe focus karte hain. So that it actually implements, becomes, for her, it becomes easier to do things in her daily routine also. So we transfer fitness into actual real life. That's what we are trying to do, along with looking well. So warm up ke baad, main body, for figures out every body part in every day और उसके साथ ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं जो उन्होंने कहा अभी. तो लेकिन the thing is कि fitness is a lifestyle.
फिटनेस ये नहीं कि आज मैं सिर्फ जिम में आके दो घंटे फिटनेस किया ख़त्म, नहीं, पूरे दिन भर में क्या आप खा रहे हैं, क्या आप किस तरह से आपकी सांसें चल रही है, लोग चेस्ट से सांस लेते हैं, जनरली पेट से सांस लेना ही सही होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपके कोर पे क्या वर्कआउट हो रहा है, आप रात को कितना लेट खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, खाने के सोने और खाने के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सब बहुत मैटर करते हैं, इट्स अ होल पैकेज डील, आपका डाइट क्या है बहुत मैटर करता है, तो ये सारी चीज़ें वेदांत मुझे ऑफकोर्स गाइड करते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पतली नहीं होना चाहती, मैं इसको मेनटेन करना चाहती हूँ, बिकॉज लड़कियों के स्पेशली इंडियन गर्ल्स हैव अ टिपिकल बॉडी टाइप, मैं नॉर्मल लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, रैम मॉडल नहीं हूँ मैं एक्टर हूँ, और मेरी जो बॉडी टाइप है वो वेल टोन कर्वेशियस होनी चाहिए और वही मैं हूँ। सी देखिए डे नाइट ये टफ क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ऑल्सो ट्रैवल बहुत करते हैं और मीटिंग्स में जाते हैं और खाते पीते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो क्या होता है कि कॉन्शियस रहना इम्पॉर्टेंट है, कॉन्शियस रहकर अगर आप अपनी लाइफ चला रहे हैं और फिटनेस आपके स्ट्राइड में चला जा रहा है, जैसे कि ये आपके बॉडी का पार्ट है, आपकी सांस लेने का पार्ट है, आपके स्ट्राइड में है एज अ राइट वर्ड, अगर ये है तो आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है। जी नहीं, हम शूट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन एलए, आई एम श्योर सारी तरफ आ चुका है ये न्यूज़, लॉस एंजल्स में शूट किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, जब आप लोग ये कैमरा बंद कर लेंगे तो मैं सुनाऊंगी आप लोग हाँ ये गाना बहुत सुंदर है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वो भी एक टारगेट है वर्कआउट करने का सर्टेन लेवल का, क्योंकि वहाँ पर भी जो जैसे आपने राहत फ़तेह अली खान सर के वीडियो में देखा होगा कि मैंने पोर्ट्रे किया है वेरी वेल टोन्ड कर्वेशियस बॉडी, कहीं भी एकदम ज़ीरो फिगर स्किनी बॉडी का कहीं भी हम लोगों ने शो नहीं किया है, तो वही ट्रेंड है, वही चल रहा है, एंड इंटरनेशनली ऑल्सो पीपल लव योर बॉडी इफ योर कर्वेशियस। ये इतनी बहुत एक्साइटेड हूँ रेखा जी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, रेखा जी की आवाज़ इतनी जो पुख्ता आवाज़ है उनकी, जो रूटेड, जो एकदम कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ी हुई आवाज़ है, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत, मेरी आवाज़ भी बहुत पतली नहीं है, तो एक जो स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ की जो बात होती है ना, और रेखा जी की जो आवाज़ और जो दिल तक छू जाती है, आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग हैं, जितने भी नए भी लोग आए हैं लेकिन उस उनके जैसी जो वो आवाज़ है वो नहीं है। ये येस आई विल कम हियर अगेन, आप लोग कल आएँ वैलेंटाइंस डे के दिन, यहाँ वर्कआउट करेंगे साथ में सब। सी वैलेंटाइंस डे आई थिंक ये बहुत अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, किड्स डे, डॉटर्स डे हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि ये सारे दिन हर रोज़ है हमारे लिए, हमारे लिए माँ का इम्पोर्टेंस और वो स्पेशल वो रोज़ हैं, हर सेकेंड है, अभी माँ बुलाएंगी तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी, राइट, बिकॉज शी स्पेशल, फादर, फ्रेंड्स, यू नो एवरी वन इज़ वेरी स्पेशल, वैसे ही लव्ड वन वैलेंटाइंस डे के दिन ही नहीं, वो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सो आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज़ गुड, इट्स ओवर पॉपुलैरिटी उसकी है, बिकॉज आई थिंक हर चीज़ में कार्ड मिल जाता है और फ्लावर्स बिकते हैं और केक्स बनते हैं, लिटरली आई थिंक इट्स अ बिजनेस, आई जस्ट डोंट, इफ आई केयर फॉर यू, आई लव यू, आई लव यू एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ टिल द टाइम आई एम देयर। सी सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सृष्टि का कि मैं सृष्टि का, क्योंकि मैंने अपना, मेरी लॉन्च ही अक्षय कुमार के साथ थी गर्म मसाला में, आप लोग सबको पता है ये बात, और इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती कि मैं कहीं ना कहीं मैं ट्रू थी मार्शल आर्ट से, इसलिए मार्शल आर्टिस्ट के साथ लॉन्च हुई मैं, वो तो मैं हमेशा ही बहुत खुशी रहेगी मुझे इस बात की और गर्व रहेगा। दूसरी बात, मैंने 5 साल पहले ही गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी जी को एक पेटिशन डाला था जिसमें
लिखा था कि आई वुड लव एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी इन ऑल द स्कूल्स विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक सब लोग अपने अपने तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑफकोर्स अक्षय सर बींग द आइडियल द मार्शल आर्ट द सुपर डुपर स्टार ही इज़, उनका इफेक्ट इस दुनिया पे, हिंदुस्तान में ही नहीं इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर वो लीड करेंगे और हम लोग फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बात ज़रूर सुनेगी. और मुझे भी ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा मुहिम होगा, एक तरह से एक रेवोल्यूशन होगा, एक कि आप मार्शल आर्ट्स को हर स्कूल में इन्वॉल्व करें एज अ सब्जेक्ट, एज अ चैप्टर, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक. क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है, हाँ एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है, एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है. द कॉन्फिडेंस जिससे आप दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. इट्स नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल भी हो जाता है कॉन्फिडेंस. सो आई थिंक अक्षय सर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी आर ऑल फॉलोइंग हिम. जी शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट. शी तो मुझे लाइक जो भी मैं बोल दूँ, इफ आई से जंप शी सेज हाउ हाई, दैट्स इट. सो दैट्स वन कोड दैट वी अबाइड बाय. एंड आउटसाइड द जिम वॉट एवर शी सेज आई हैव टू लिसन टू, इनसाइड द जिम शी लिसन्स. कुछ रूल्स जिंदगी के ऐसे होते हैं जिसमें जिसका जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसका जो किरदार होता है वो निभाने वही निभाएं तो अच्छा रहता है. सो आई थिंक बिकॉज ही इज़ माई ट्रेनर एंड बिकॉज ही गाइड्स मी वेल, सो आई डोंट, मैं अपना दिमाग और अपना ये सब कुछ जैसे ये बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ. क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती हूँ, जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जो कहता है आपको उस तरह से करना होता है, उसी तरह से मैं वेदांत को देखती हूँ कि बिकॉज ही इज़ वेल ट्रेन्ड फिटेस्ट इन इंडिया एंड ऑल. तो हम लोग तो बहुत पहले पीछे हैं. इफ़ यू सी हिम डूइंग थिंग्स मुझे लगेगा ओ गॉड, हम कोई आदि ज़माने में बंदर को देख रहे करते थे, उधर से कूद के उधर. आई एम लाइक माय गॉड, विच इज़ द ग्रेट थिंग. क्योंकि वो कोई फिट आदमी ही कर सकता है, इसीलिए आई लीव एवरीथिंग टू हिम. जो ये कहते हैं वेदांत जी हम करते हैं. वेल आई विल जस्ट से कि एक घंटा अपने बॉडी को 24 घंटे में देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. और योर बॉडी नीड्स दैट काइंड ऑफ फूड टू सस्टेन, टू रिएक्ट, टू सपोर्ट यू विथ योर ड्रीम्स ऑल्सो. अगर आप फिट हैं तभी आप अपने कोई भी ड्रीम्स या करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट. लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत करियर होते हैं, लेकिन अगर वो बेड पे होते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते. एंड आई एम श्योर आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है ये बात सुन के. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रेशियस हैं, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी. इसलिए फिटनेस हैज़ टू बी अ लाइफ स्टाइल, इट हैज़ टू बी इन योर स्ट्राइड. क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी बॉडी खानों का पहाड़ नहीं हो सकती है. सो बहुत ही रॉ वर्ड में मैंने आपको बताया, आपको फिट होना आपके लिए ज़रूरी है. सो प्लीज़ बी फिट, बहुत पानी पीजिए, कोई भी वर्कआउट करिए, मार्शल आर्ट्स करिए, जिम करिए, योगा करिए, दौड़िए, डांस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ज़रूर करिए क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं. बस मेरे टाइम पे ना आए. हाँ क्योंकि मतलब मेरे पर ध्यान रहेगा ना, आई डोंट वांट हिम. नहीं आई हैव टू से दिस जिम, ऑफकोर्स आई हैव टू से दिस अल्फा 7Cs जो है, इनका दो दो ब्रांच है, दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर गुड विथ फंक्शनल ट्रेनिंग. यहाँ पे मशीन्स आप नहीं देखेंगे, बट आप यू कैन कम एंड वर्कआउट हियर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जब आप जिम के अंदर आएंगे तो आप समझिए कि पसीना और यहाँ के जो वाइब्स है उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. आई यू हैव टू वर्कआउट, देर इज़ नो रूम फॉर कॉन्वर्सेशन हियर. इदा जी आप कहना चाहेंगे कुछ? आई मीन वी आर अ वेरी फ्रेंडली स्पेस, वी आर नॉट लाइक अ नॉर्मल जिम. ज़्यादा हम वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल अवरसेल्व्स वेरी हाई. वी बिलीव इन रियल फिटनेस रादर देन टॉकिंग फिटनेस, वी आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ फिटनेस इनसाइड. सो दैट्स माई मोटो, यू नो, कीपिंग इट वेरी रियल, focusing on, I mean, I live life very really, being realistic. So when you sign up for this gym, you will meet people who are telling you the real things and thinking longevity, not thinking short term goals, you know. We want to tweak in lifestyle and make you part of our family. So, and also you challenge yourself when you come to the gym. Every second you are challenging your own self. So that is the very important thing, and it's a good lifestyle also when you challenge yourself to come to the gym and work out. Thank you. Thank you so much. Nice meeting you guys too.